चाचौड़ा थाना पुलिस ने बीनागंज बाईपास पर एक तस्कर से 100 ग्राम स्मैक पकड़ी है। जब्त स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए आकी गई है। चाचौड़ा पुलिस को अपने मुखबिर तंत्र से यह सूचना मिली थी कि आरोपी राजेंद्र मीना स्मैक की तस्करी करने 12 राजस्थान की तरफ से निकलने वाला है। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपी को बीनागंज बाईपास पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक निकाली गई। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा किया। गुना पुलिस स्मैक पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा की अगुवाई में पुलिस अब तक तकरीबन 3 करोड़ से अधिक की स्मैक जब्त कर चुकी है। चाचौड़ा सहित दूसरे अन्य थानों में पुलिस लगातार स्मैक की बरामदगी करने में लगी है। यही कारण है कि पुलिस इस सख्ती की वजह से स्मैक की तस्करी को रोका जा सका है। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि पुलिस का स्मैक और युवाओं में नशे के जहर घोलने वाले अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभी तो इसको पकड़ा है, किस तरह बताएगा वैसे ये क्या बताएगा प्रोसेस भी तो हमें पता ही है क्या है क्या नहीं। ये 12 जिले से ये जो लाया हुआ है जनपद का, इसका सोर्स हमें पता है कहाँ कहाँ से ये जो जो पट्टे वगैरह मिले हुए हैं उनको, तो वो पट्टों में से कहाँ कहाँ से हो रहा है, जिससे दो लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर ही लिया है जी। और एक दम जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग डेवलप करेंगे। आज चाचौड़ा पुलिस द्वारा जो है राजेंद्र मीना करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 91 point something ग्राम जो है वो स्मैक की, लगभग 100 ग्राम के आसपास की स्मैक है, जिसकी कीमत अमूमन 10 लाख के आसपास की है। इसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है, बीनागंज बाईपास से इसको गिरफ्तार किया गया है और आज को कोर्ट में पेश कर दिया। सर पहले भी इसके खिलाफ तो छह क्या और मामले हैं? अभी इसके खिलाफ में और कोई मामला नहीं था। ये बेसिकली कोबरा थाना क्षेत्र में आमखेड़ा का रहने वाला व्यक्ति है और इसके द्वारा जो है वो 12 जिला जो राजस्थान का जिला पड़ता है और गुना बॉर्डर से वही से स्मैक मिलकर और पेशे की फिराक में निकला था, जिसको पुलिस ने बीच में इंटरसेप्ट करते हुए गिरफ्तार किया। सर जनवरी 2019 अभी तक लगभग कितने की स्मैक पकड़े? जनवरी 2019 से लगभग अभी तक हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ की स्मैक जो है वो बरामद कर चुके हैं और अभी भी लगातार इसमें जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो स्मैक बरामद करें और खास करके ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इस स्मैक के कारोबार में मेन व्यक्ति है और इनको गिरफ्तार करके इस पूरे कारोबार की कमर तोड़ेंगे। थाना लेवल पर कितनी कार्रवाई हुई है सर स्मैक की? इसमें अमूमन एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता पाएंगे, मगर अब जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरीके की 100 ग्राम की स्मैक जो है ये भी थाना लेवल पर पकड़ी गई है। पहले हम लोगों ने एक जिला लेवल पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए थे, जिसके अंदर हमने घिसिया गिरी में रेड की थी, जिसमें हम लोगों को 1 करोड़ के आसपास की स्मैक मिल गई थी। और ऐसे ही जो है वो थाना लेवल पर कुमरा चाचौड़ा जो मेन ग्रसित है इस प्रॉब्लम से, वहाँ पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है, जो अच्छी बात है।